नमस्कार दोस्तों, विनोद पटेल ब्लॉग में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीजी टेट के मैथ्स पोर्शन में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। दोस्तों, आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ साधारण ब्याज दिया गया है, आपके लिए अच्छा बात है। तो आइए समझते हैं साधारण ब्याज। साथ ही मैं बता दूं, जो जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन आया था उसको भी हम हल करके बताएंगे कि कैसे प्रश्न आया था जनवरी 2022 में टेट परीक्षा में सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो दोस्तों, साधारण ब्याज अर्थात रकम पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। ठीक है, जो सिंपल ब्याज होता है उसको रकम पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि को ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज तो कैसे हम हल कर सकते हैं, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज को SI बोलते हैं शॉर्टकट में, सिंपल इंटरेस्ट PRT इसका आप कर सकते हैं, गुणा भाग 100। सबसे पहले दोस्तों हल करते हैं साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है, साधारण ब्याज से रिलेटेड है, इसको निकालते हैं। दोस्तों क्या करना होता है, साधारण ब्याज के लिए 500 रुपए की धन राशि, मूलधन कितना हुआ 500, मूलधन कितना हुआ 500। ठीक है, ब्याज कितना है 10% है, ब्याज कितना है 10% रेट। ठीक है, कितना समय के लिए है, 3 वर्ष के लिए T। ठीक है, ये तीनों मिल गया, PRT हमको मिल गया। तो क्या करना पड़ता है, तीनों मिल गया तो उसका साधारण ब्याज क्या होगा। ऑप्शन में है 50, 100, 150, 200। अगर आपको देखकर लगता है कि ये होगा तो आप कमेंट कर दीजिए कौन सा होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं तो पता चलता है, इसको हल करने से पता चलता है कि हल करके देखते हैं मूलधन कितना है 500 है। ठीक है, मूलधन कितना है 500, दर कितना है 10%, समय कितना है 3, गुणा कर देते भाग कर देते हैं 100 से। ठीक है, 100 से भाग कर देते हैं, डायरेक्ट 0 से 0 कटा दे, तब हमें कितना मिला 50 गुणा 3 बचा। ठीक है, ये तो कट गया है, 50 गुणा 3 कितना आया 150। ठीक है, उत्तर कितना आया 150। सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ये मैं आपको अभी साधारण ब्याज बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा सूत्र है, इसका फार्मूला है, इससे आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल गया ना, 500 मूलधन है, 10 है ब्याज और समय है 3 वर्ष। इस प्रकार हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, समय कैसे निकालते हैं। समय के लिए ये तो ऑप्शन में है ना, 150, ये इसका उत्तर है। समय कैसे निकालते हैं, हाँ तो हम जो टेट 2022 जनवरी में परीक्षा हुआ था उसका प्रश्न को हल करते हैं समय निकालने के लिए। ठीक है, समय निकालने के लिए हल करते हैं, इसका सामान्य सूत्र होता है, सामान्य सूत्र द्वारा भी आप समय निकाल सकते हो। सामान्य सूत्र मैं यही लिख देता हूँ फार्मूला कि क्या कितना होता है, फार्मूला इसका समय का होता है, आप लिख सकते हैं ऊपर जो ब्याज SI लिख सकते हैं। ठीक है, SI गुणा 100 लिख सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं P गुणा R। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपका समय निकल जाएगा, सिंपल सा फार्मूला है। लेकिन हम क्या करेंगे, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो डायरेक्ट ऑप्शन से ही हमारा वर्ष तो दिया है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे कि वर्ष को हम निकाल सकते हैं। जैसे 450 को हम मूलधन मान लेंगे। ठीक है, 450 को मूलधन, ब्याज कितना है 4.5 है, समय हम मान लेते हैं 3 वर्ष या 4 वर्ष, 4 वर्ष मान लेते हैं। 4 वर्ष मानने में क्या हो जाएगा, अब 3 वर्ष भी मान सकते हो, अब हम इसको 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से भाग दे देंगे तो क्या होगा कि 45 इसका योग गुणा करने से 8100 हो जाएगा। ठीक है, 8100 हो जाएगा। अब आप इसे 100 से भाग दे देंगे तो सिर्फ कितना बच रहा है, 18 लिखा जा रहा है बार बार, 81 बच जाएगा। तो क्या होगा, ये अपना सही आंसर है, 81 रुपए ब्याज मतलब 4 वर्ष सही आंसर है। ठीक है, ऐसे समय को आप निकाल सकते हैं, ऐसे आप ये जो टेट जनवरी में आया था उसका प्रश्न था।
आगे हम लोग देखते हैं और जो विगत वर्ष में पूछे गए हैं प्रश्न, किस दर से 600 रुपए का वर्ष, किस दर से दर ज्ञात करना, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, दर। दर ज्ञात करने के लिए हम वही फार्मूला लगा सकते हैं, आर बराबर ए साई, ठीक है, गुणा सौ, यहां लिख सकते हैं पी गुणा टी, ठीक है, सिंपल है दोस्तों, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, आप इसको लगा सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। दर निकालना है रेट, 600 हमारे पास मूलधन है, इतना है 600 अपने पास मूलधन है, 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा, ब्याज एस आई पहले लिख देंगे 120, ठीक है, 120 हो जाएगा, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है, गुणा 100, आर निकालना है रेट, ठीक है, रेट निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा, फिर अपने पास कितना है 600 रुपए है, कितने वर्ष के लिए, तो 10 वर्ष के लिए, सबको फिर काट देंगे, जीरो की जीरो, जीरो की जीरो, जीरो, है ना, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो अपने को जो रेट है मिल जाएगा, तो कितना मिला, 12 भागी 6 करने से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2% दोस्त, ठीक है, ऑप्शन में दिया होगा 2%, देखिए 1% नहीं है, 2% राइट आंसर है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको कि दर कैसे निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज में रहते हैं कि दर कैसे निकालें, ठीक है, तो ये एकदम फॉर्मूला है, कुछ भी निकालना हो इस फॉर्मूले को लगाना एकदम काम हो जाएगा, ठीक है, रेट किसी भी कंडीशन में इसको लगा लेना। अब है हम लोग मूलधन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मूलधन, ठीक है, मूलधन के लिए क्या स्क्रीनशॉट कर लेना जो फॉर्मूला है, ठीक है, मूलधन के लिए वही फॉर्मूला है सेम, है ना, क्या करेंगे, यहाँ पर पी लिख देंगे, फार्मूला देख लीजिए ना, यहाँ पर पी लिख देंगे, यहाँ एस आई लिख देंगे, किसी चीज को नहीं देखना है, सबसे पहले आपको फार्मूला देखना है, फार्मूला क्या कहता है, उसके बाद हम लेंगे रेट लिख देंगे गुणा टाइम लिख देंगे, ठीक है, इतना ये है मूलधन निकालने का फार्मूला, मूलधन निकालने का फार्मूला। प्रश्न चौथे में हमने मूलधन लिया है, इसमें दर लिए थे, वह राशि ज्ञात कीजिए जो जिस पर 7% की वार्षिक ब्याज दर से, दर कितना है 7%, ठीक है, साधारण ब्याज कितना है 280 है, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, ठीक है, उधार लिया है, अपन को 3 चीज मिला, रेट मिल गया, टाइम मिल गया, और क्या मिल गया हमें, ब्याज मिल गया, एस आई मिल गया, अब हमें मूलधन पी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पी का फार्मूला अपने पास है, एस आई कितना है 280, एस आई कितना है 280 गुणा 100, ठीक है, एक ही फार्मूला से सब काम हो जाएगा। आगे है आर कितना है, आर देखिए रेट 7% है, कितना परसेंट है 7%, ठीक है, गुणा करना है किससे, समय से, ठीक है, समय से, अब हम आगे हल कर सकते हैं, ये देखिए यहीं से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौक 28 से 40 हो गया, ठीक है, 7 चौक 28 ये 40 हो गया, ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 25 100 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, तो 40 गुणा 25 का गुणा कर दो आप, ठीक है, 40 और 25 का गुणा, तो कितना हो रहा है, ऑप्शन तो नहीं दिए थे कि उत्तर कितना होगा, ठीक है, ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया था, इसमें दिया था 500, 2000, 3000, ठीक है, तो 25 चौक 100 होता है, ठीक है, 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 हो गया डायरेक्ट, और एक जीरो आ गया 1000, ठीक है, तो वह राशि कितनी थी, तो 1000 थी, ठीक है, 1000 रुपए था, कितना था मूलधन 1000, पी का मान कितना आया 1000। इस प्रकार आप कोई भी प्रश्न इन फार्मूला के, आपको ब्याज निकालना वाला हो तो ये निकालना, अगर दर निकालना है तो ये फार्मूला लगाना, मूलधन निकालना हो तो ये लगाना, समय निकालना हो तो फिर ये फार्मूला को लगाना, एस आई गुणा 100 बटा अपने पास क्या क्या है पी आर लिख देना, ठीक है, ये सब फार्मूला है, तो इन फार्मूला के माध्यम से आप सिंपल जो टेट परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद दोस्तों।